चोरों से रहो सावधान, लगाओ होम सिक्योरिटी सीसीटीवी कैमरा, रहो बिंदास। दोस्तों हमारे पास सीपी प्लस का एक वाईफाई कैमरा है जो मॉडल नंबर है E25A 2 मेगापिक्सल का वाईफाई कैमरा है। ये जो कैमरा है वो एलेक्सा के साथ भी वर्क करता है और गूगल के साथ भी काम करता है। तो आज हम बताएंगे इसकी अनबॉक्सिंग और इसका सेटअप और इसे कैसे इंस्टॉल करना है, पूरी डिटेल्स हम आपको बताएंगे। ये एक फुल HD कैमरा है और इंस्टॉलेशन वाईफाई के जरिए होगा, साथ ही साथ इससे देख भी सकते हैं और किसी से बात भी कर सकते हैं। इसे 360 डिग्री पे रोटेट कर सकते हैं और मोशन अलाउड की भी सुविधा इसमें दी गई है। हम इस बॉक्स को ओपन करेंगे। इस कैमरे को कैसे सेट करना है उसके लिए एक गाइड मैनुअल है, एक बॉक्स है, बाद में देखेंगे उसमें क्या क्या है। ये सीपी प्लस का कैमरा है। पहले हम इस बॉक्स में देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। एक पावर एडाप्टर है जो 5 वोल्ट 1 एम्पियर है, साथ ही साथ एक केबल मिलेगा जो सी टाइप है और हैंग करने के लिए स्क्रू है। अब हम कैमरे के बारे में बात करेंगे तो पहले सब साइड कर देंगे। अब बात करेंगे कैमरे के बारे में। पीछे स्पीकर दिया है जिससे किसी से भी बात कर सकते हैं। नीचे रीसेट का स्विच दिया है जिससे कैमरा रीसेट हो सकता है और उसके बाजू में सी टाइप का पोर्ट दिया है जिससे हम कैमरे को पावर दे सकते हैं। और दोस्तों ये कैमरा है और कैमरे को हल्का सा ऊपर करोगे तो यहाँ पर आपको मेमोरी कार्ड का स्लॉट दिया हुआ है जिसमें आप अप टू 128 GB तक का मेमोरी कार्ड लगा सकते हो जिसमें आपका स्टोरेज रहेगा। और ये कैमरा है। नीचे स्टैंड दिया हुआ है जो जिसकी मदद से आप सीलिंग पे या वॉल पे इस कैमरे को लगा सकते हो और इस तरह से ये लॉक हो जाएगा। ये लॉक हो गया है, ये दो स्क्रू यहाँ पे लगेंगे सीलिंग या वॉल में। अब चलिए हम दिखाते हैं कैसे कैमरे को ऑन किया जाएगा, इंस्टॉल किया जाएगा। पहले हम कैमरा ऑन करेंगे। ऑन करने के लिए पावर प्लग करेंगे। जैसे ही हम पावर देंगे तब कैमरा स्टार्टिंग का आएगा, वेटिंग फॉर वाईफाई कनेक्शन, प्लीज वेट वेटिंग फॉर वाईफाई कनेक्शन। जैसे ही वाईफाई कनेक्शन का बोलेगा कैमरा तो हम मोबाइल में कुछ सेटिंग करेंगे जिससे हमारा लाइव कैमरा स्टार्ट हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं मोबाइल में क्या सेटिंग करना पड़ेगा। इसके लिए मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा जो आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगी जिसका नाम है इजी कैम प्लस, इजी कैम प्लस। तो हम इसे डाउनलोड कर लेंगे। जिसे डाउनलोड करने के बाद ओपन पे क्लिक करेंगे। ओपन पे क्लिक करने के बाद यहां एग्री पर हम क्लिक करेंगे।
एग्री करने के बाद हम साइन अप करेंगे। अगर आपके पास अकाउंट हो तो साइन इन करेंगे। साइन अप पर यहाँ क्लिक करेंगे। साइन अप पर क्लिक करने के बाद ये कंट्री है इंडिया, और यहाँ मेल आईडी डालेंगे। मेल आईडी के डालने के बाद यहाँ क्लिक करेंगे वेरिफिकेशन कोड पे। आपके मेल पे वेरिफिकेशन कोड आएगा, उसे डालेंगे। वेरिफिकेशन कोड आ गया है और अभी हम वेरिफिकेशन कोड डालेंगे। वेरिफिकेशन कोड डालने के बाद सेट पासवर्ड का आएगा, वहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट नोट मिलेगा जहाँ नीचे लिखा होगा यूज़ 6 to 20 कैरेक्टर्स विथ अ मिक्स ऑफ लेटर्स एंड नंबर्स। मतलब नंबर्स और लेटर्स में आपको पासवर्ड सेट करना पड़ेगा, तो यहाँ आप पासवर्ड डाल सकते हो सेट करके। और आप चाहो तो यहाँ शो भी कर सकते हो पासवर्ड, और पासवर्ड डालने के बाद आप डन करोगे। डन पे क्लिक करने के बाद आपको गो टू ऐप तुरंत लिखा हुआ आएगा, आपको वहाँ क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर प्लस का निशान है, उसे हम क्लिक करेंगे। अभी जो कैमरा है उसका मॉडल नंबर सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि हमारे पास जो कैमरा है उसका मॉडल नंबर है CPE25A, इसे हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट टैब पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे वाईफाई को सिलेक्ट करेंगे, जो आपके पास हो वाईफाई उस पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड पर क्लिक करेंगे, और जो भी आपका वाईफाई का पासवर्ड हो उसे आप डालेंगे। और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक QR कोड आएगा, उस QR कोड को आपको कैमरे के सामने ले जाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पिक्चर में दिखाया हुआ है उस तरह से आपको कैमरे के सामने ले जाना पड़ेगा। हमें इस कैमरे पे से स्टिकर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर कैमरे से आवाज़ आएगी वाईफाई कनेक्शन सक्सेसफुल। उसके बाद आई हर्ड अ प्रॉम्प्ट पे क्लिक करेंगे। एडिंग डिवाइस होने लगेगा। एंश्योर दैट द वाईफाई सिग्नल इज अ गुड। आपका वाईफाई सिग्नल अच्छा होना चाहिए, उसका मैसेज आ रहा है। एंश्योर दैट द डिवाइस इज पावर्ड ऑन। डिवाइस हमारा कनेक्ट हो गया है, हम इसे ऑनलाइन कर देंगे। आप यहां से कैमरे को ओपन नीचे कर सकते हो। कैमरा 360 डिग्री रोटेट होगा।
कैमरे को नीचे भी कर सकते हो आप, कैमरे को ऊपर भी कर सकते हो। आप देख सकते हो जिस कैमरे से हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उस कैमरे का ये हमारा चेहरा आ रहा है, सीपी प्लस का E25A जो काफ़ी अच्छा है। अभी हम इस कैमरे के अंदर मेमोरी कार्ड डाल के इस कैमरे को इंस्टॉल कर देंगे। आप देख सकते हो मेमोरी कार्ड को इस तरह से नहीं डालना है, इस तरह से डालना है और डाल के उसे प्रेस कर देना है और वो लॉक हो जाएगा। और अभी हम कैमरे को इंस्टॉल करेंगे और आप देख सकते हो हमने कैमरा इंस्टॉल कर लिया है और इसका एडाप्टर और पावर केबल भी लगा दिया है। हमने पूरा हम एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा समझ लेंगे। हम ओपन करेंगे एप्लीकेशन, ऑनलाइन कैमरा है। जैसे ही आप एप्लीकेशन ओपन करोगे आपको कैमरा ऐसे वर्टिकल पिक्चर में दिखाई देगा और आप चाहो तो इस कैमरे को आप यहाँ अपनी फिंगर से टच करके कैमरा का डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। आप देख सकते हो वीडियो में आपको साफ देखने को मिलेगा ये डायरेक्शन चेंज हो रहा है, जैसे मैं फिंगर से डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ। ओके, तो आप ऐसे फिंगर से कैमरे का डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो। और अगर आपको ये जो स्क्रीन वर्टिकल आ रहा है अगर आपको उसको हॉरिजॉन्टल करना है तो ये आप कैमरे के बाजू में यहाँ पर आपको डिस्प्ले का आइकॉन है तो वहाँ आप क्लिक करोगे तो ये आपका हॉरिजॉन्टल हो जाएगा स्क्रीन। और सबसे पहले अगर आपको वीडियो रिकॉर्ड करना है अपने मोबाइल में तो ये वीडियो वाले आइकॉन पे आप क्लिक करोगे तो अपने आप ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। हम वापस करेंगे वीडियो पे क्लिक, आप देख सकते हो ये वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है। तो आपको जितना भी रिकॉर्ड करना हो आप रिकॉर्ड कर सकते हो और वापस उस वीडियो के आइकॉन को प्रेस कर दोगे तो वो क्लिप सेव हो जाएगी मोबाइल में। वीडियो हैज़ बीन सेव टू द गैलरी, तो ये गैलरी में सेव हो गया है और आप जब भी चाहो उसे गैलरी में से देख सकते हो। और वीडियो आइकन के नीचे ये वॉइस कमांड है तो इसको आप होल्ड करके रखोगे, तो आप जो भी बोलोगे वो कैमरे के पास जो भी खड़ा होगा बंदा उसे सुनाई देगा। और आप इसे छोड़ दोगे और वो बोलेगा तो आपको अपने मोबाइल में सुनाई देगा। मतलब ये टू वे टॉक है, आप बोल भी सकते हो सुन भी सकते हो। और आप इसके नीचे कैमरे का जो आइकॉन है आप इससे कैप्चर कर सकते हो, मतलब जो भी आपको स्क्रीन ऑनलाइन लाइव स्क्रीन चल रहा है उसका आपको फ़ोटो खींचना है तो आप खींच सकते हो। ये आपका फ़ोटो गैलरी में सेव हो जाएगा स्क्रीन शॉट। तो आप इस राउंड से भी कैमरे का डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। हमारे कैमरे के अंदर हमने ऑलरेडी मेमोरी कार्ड इंस्टॉल करके रखा हुआ है तो हम उसमें कुछ दिन पहले का रिकॉर्डिंग अगर हमें देखना है तो देख सकते हैं। तो उसके लिए हमें सेटिंग में जाना पड़ेगा और सेटिंग में जाने के बाद यहाँ से स्क्रीन ऊपर आएगा और इस प्लेबैक में जाना पड़ेगा। प्लेबैक में आप जाओगे तो यहाँ डेट और टाइम लिखा हुआ आएगा तो आप डेट वाइज
आप सिलेक्ट कर सकते हो, और यहाँ पर जो ऊपर टाइम लिखा हुआ है वो टाइम के हिसाब से आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो, और चाहो तो अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन दिया हुआ है सबसे लास्ट में। तो इसके अलावा इसके अंदर नाइट मोड ऑप्शन भी दिया हुआ है, मोशन ट्रैकिंग ऑप्शन भी दिया हुआ है, मोशन डिटेक्शन ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो काफ़ी अच्छी फैसिलिटी दी हुई है इस एप्लीकेशन में। अगर आपकी एक छोटी सी दुकान है तो आपके लिए ये कैमरा बहुत ही बेहतरीन है, और अगर आपका घर भी छोटा है तो आपके घर के लिए भी ये कैमरा काफ़ी अच्छा है। आपको जैसे मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ, ये मेन गेट है और ये मेन सीढ़ी है, तो ऐसे आप कैमरा सेट कर दीजिए तो आपका घर पे कोई आएगा तो मोशन डिटेक्शन हो जाएगा और उसमें रिकॉर्डिंग हो जाएगा। आप प्लेबैक करके रिकॉर्डिंग भी चेक कर सकते हो, नाइट मोड भी हो सकता है। तो काफ़ी सारी फैसिलिटी दी हुई है, तो बहुत ही सस्ते दाम में आपके घर पे ये सिक्योरिटी हो जाएगी। तो ये बहुत ही सस्ता दाम है इसका। हमने कहाँ से परचेस किया, कितने में परचेस किया, वो सब मैं आपको इमेज रख दूँगा। जो हमारा बकायदा बिल है, मैं आपको बिल की रिसिप्ट यहाँ इमेज रख दूँगा, आप देख लीजिएगा। तो आप चाहो तो वहाँ से भी परचेस कर सकते हो।